फ्रेंड्स, मैं शिल्पी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो आज का नुस्खा है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आई थिंक आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है और बहुत ही ईजी अवेलेबल होने वाला है, क्योंकि इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले भी जितने नुस्खे ला चुकी हूँ वो सब आपके किचन में ही मिल जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेम एज वैसे ही मैं आज भी जो नुस्खा लेकर आई हूँ वो भी आपको एक होम रेमेडी है और बहुत ही ईजी अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आज मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ स्क्रबिंग की। जैसे आपकी स्किन में जो अनइवन टोन होता है उसको इवन करने के लिए स्क्रबिंग की ज़रूरत पड़ती है, या आपकी स्किन में दाग धब्बे हैं, या आपकी स्किन में ब्राइटनेस ख़त्म हो गई है, स्किन बिल्कुल डल हो गई है, स्किन से बिल्कुल चमक चली गई है, सो इसको भी एक अच्छा सा टोन देने के लिए, एक इसमें ग्लो लाने के लिए भी, इसके लिए भी आप स्क्रबिंग करते हैं। सो स्क्रबर जो बाहर से लेते हैं वो मुझे नहीं लगता इतने यूज़फुल होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, और आपने लिया इसको करा बट आपको इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। क्योंकि मैं तो कभी बाहर से स्क्रबर नहीं खरीदती हूँ, ना मतलब कभी भी ऐसा प्रेफर करती हूँ कि मैं बाहर से स्क्रबर खरीदूँ, क्योंकि आपके घर में इतनी चीज़ें हैं कि आपको बाहर से स्क्रबर खरीदने की क्या ज़रूरत है। अगर आप जो होम रेमेडी में बताने वाली हूँ उस स्क्रबर को यूज़ करेंगे ना, तो आप बाहर का स्क्रबर बिल्कुल भूल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस रेमेडी को। और आज की जो रेमेडी है वो क्या है, वो है शुगर। शुगर जो होती है, आई थिंक आपको दिख रही होगी लाइक ये शुगर है। शुगर जो होती है उसमें आपके स्किन को इवन बनाने का बहुत अच्छा गुण होता है, लाइक एक क्वालिटी होती है शुगर में कि आपने शुगर से अगर स्क्रबर करा तो आपकी स्किन जो होती है इवन टोन में आ जाती है, जो कि अनइवन होती है, और स्किन से जितनी भी ब्राइटनेस ख़त्म होती है उससे डल स्किन को भी ब्राइट करता है एंड एक ग्लो लाता है। लेकिन खाली शुगर यूज़ आप कर सकते हो, बट अगर आप उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर लो, सपोज़ आपने उसमें हनी जो होता है उसको यूज़ कर लिया, तो और भी अच्छा रिज़ल्ट आपको आएगा। हनी के फ़ायदे तो आई थिंक सभी जानते हैं। हनी अगर आप पीते हैं तो वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, एनर्जी देता है, एंड हनी अगर आप स्किन में यूज़ करते हैं तो वो आपके स्किन में ब्राइटनेस लाता है, स्किन को सॉफ्ट करता है एंड स्किन में एक अलग सा ग्लो लाता है। सो अगर आपने इसमें हनी ऐड ऑन कर लिया और उसके बाद इसको लगाया, इसको मिक्स कर लिया, आपने हनी डाला सिंपली, सपोज़ आपने पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, बट आपने थोड़ा सा हनी मिलाया और उसको मिक्स 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 कर लिया अच्छे से, एंड थोड़ा सा वो थिक पेस्ट आएगा, थोड़ा सा ऐसा पेस्ट आएगा, बट आपको उसे उसी पेस्ट को लेकर अपने स्किन पे ऐसे ऐसे रब करना है। मैंने पहले भी कर रहा है तो शायद आपको दिख रहा हो। तो उसको आपको सिंपल 2 सेकंड के लिए रब स्किन में अच्छे से मसाज देनी है, बट बहुत ही हल्के हाथ से, क्योंकि जो शुगर होती है वो थोड़ी सी दरपरी होती है तो आपको उससे कट भी सकता है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ हाथ से नहीं, हल्के से आपको हाथ से इसको मसाज देनी है, स्क्रबिंग करनी है, और फिर इसको आप नॉर्मल वाटर से धुल सकते हैं। आप फेस पे भी सेम ऐसे ही कर सकते हैं बट बहुत हल्के हाथ से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, आपको शुगर जो है बहुत मोटे दाने की नहीं लेनी है, आपको बिल्कुल पतले दाने की या हल्की सी जो दरबरी सी होती है उसमें लेनी है। अगर नहीं है तो आप उसको किसी भी चीज़ पे क्रश करके आप उसको पतला बना सकते हैं, मतलब लाइक हल्के दाने का बना सकते हैं क्रश करके। चलिए ये तो हो गई हमारी एक रेमेडी। अगर आप चाहें तो सेम इसी शुगर में एक चीज़ और ऐड ऑन करके आप दूसरी रेमेडी भी बना सकते हैं, दूसरा स्क्रबर भी बना सकते हैं, और वो बहुत फ़ायदेमंद है। सो उसके बारे में बात करते हैं, और वो रेमेडी हमारी क्या है, वो है क्या है ये, आई थिंक सभी को पता है, ये है कॉफ़ी। सो कॉफ़ी में जो कॉफ़ी भी होती है ना, इसको अगर आप पीते हैं तो भी फ़ायदे हैं, और ब्लैक कॉफ़ी इनफैक्ट तो भी फ़ायदे हैं आपकी बॉडी के लिए, और अगर आप इसको अप्लाई करते हैं स्किन पे, फेस पे, ठीक है, तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जो कॉफ़ी होती है उसके अंदर भी ऐसे लाइक ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे तत्व होते हैं जो आपकी बॉडी में स्किन को ब्राइट करता है, स्किन से आपका जो टोन है वो जो लाइक अनइवन सा हो गया है उसको इवन बनाता है, स्किन को बहुत ज़्यादा जितनी डल स्किन हो गई है उसको ग्लो लाता है, उसमें आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी। तो कॉफ़ी के भी बहुत फ़ायदे हैं, और आजकल तो लोग फेशियल वगैरह में भी कॉफ़ी यूज़ करते हैं,
कॉफ़ी इसी शुगर में आपने ऐड ऑन कर दिया, और हनी तो पहले से इसमें ऐड ऑन है, तो हनी आपको दोबारा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार इसको यूज़ करिए और एक बार कॉफ़ी के साथ यूज़ करिए, एक बार हनी के साथ यूज़ करिए शुगर को, आपको दोनों के रिज़ल्ट बिल्कुल अलग अलग और बहुत ही अच्छे दिखेंगे। तो सेम मिक्स मिक्स मिक्स, और कॉफ़ी दाना जो होता है, कॉफ़ी का जो ये दाना होता है थोड़ा सा दरबरा सा होता है, तो अच्छे से इसको मिक्स करने का, और ये बहुत ज़्यादा पतला होगा नहीं, तो अगर आप चाहें इसमें हनी या थोड़ा सा वाटर ऐड ऑन कर सकते हैं, और फिर इसको मिक्स करके आप सिंपली इसी तरह आप जैसे कि हैंड में लिया आपने और इसी तरह आपने सॉरी इसको आपने ऐसे ही लगा लिया। इसमें ऐड ऑन करने के बाद आपने सिंपल ऐसे ही ऐसे इसको स्क्रबर कर लिया, और स्क्रबर बहुत ही हल्के हाथ से, धीमे हाथ से और सॉफ्टनेस से, और आपने 2-3 सेकंड कर लिया, और उसके बाद आपने थोड़ी देर के लिए 1 सेकंड के लिए छोड़ के आपने नॉर्मल वाटर से धुल लिया। अगर उस दिन आप हो सके तो आप उस दिन सोप का यूज़ ना करें, किसी बॉडी वॉश का यूज़ ना करें, और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप यूज़ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो इसके बाद आपको बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट मिलने वाले हैं, बहुत ही मैजिकल रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। आपकी स्किन जो है, आपने जैसे ही इसको वॉश करेंगे उसके बाद आप स्किन में मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे, और उसके बाद अपनी स्किन को आप जब छुएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि स्किन एकदम आपकी लाइक फिसलने वाली जो स्किन होती है, और स्किन में एक अलग सा ग्लो दिखेगा, स्किन में जितना टैन होगा या बाहर पॉल्यूशन में जाने से जो आपको अनइवन टोन हुआ है वो आपको दिखेगा कि वो स्किन एकदम ब्राइट हो गई है और फिसल रही है। आप जब हाथ डाल ऐसे रखते हो तो स्किन फिसलती दिखेगी। तो एक बार इस दोनों रेमेडी को यूज़ करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कितना फ़ायदा हुआ, कितना अच्छा लगा, और क्योंकि आपके कमेंट जो हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो लाइक आप मुझे और वीडियोस बनाने में और आपके लिए होम रेमेडी लाने में बहुत ही सहायता देते हैं, बहुत ही हेल्प करते हैं। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना सजेशन दीजिएगा, और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। डेली मैं आपके लिए कुछ ना कुछ होम रेमेडी लेकर आऊँगी जो कि बहुत ही ईजी अवेलेबल होंगे। सो आप इसी तरह मेरे चैनल में बने रहें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें।